सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने मोहद्दीपुर स्थित शकुंतला हॉस्पिटल को सील कर दिया है, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान मोहद्दीपुर स्थित शकुंतला हॉस्पिटल पर काफी भीड़ पाया गया, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इससे पहले भी उस हॉस्पिटल को चेतावनी दी जा चुकी है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया और सभी लोगों को यह चेतावनी दी गई कि आगे भी यह कार्रवाई चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कोई इलाज नहीं है बाबा, आप इस उम्र में क्यों बाहर घूम रहे हैं? इस उम्र में आप कुछ दिन जेल में रहो, सही रहे नियम पालन है ना। कुछ दिन मेरे साथ जेल में रहोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं तो अपने नाम नियम नहीं है ना, अभी का है। आज डीएम सर के साथ हम क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, इसमें चूंकि शासन के दिशा निर्देशानुसार शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन के चलते अनावश्यक भीड़ कहीं इकट्ठी ना हो और जो भी आवश्यक सुविधाओं को छोड़ के बाकी अन्य सभी सुविधाओं को सस्पेंड किया जाएगा और लॉकडाउन कम्प्लीटली रहे। इसी क्रम में लॉकडाउन कैसा प्रभावी चल रहा है उसी को देखने के लिए हम डीएम सर के साथ निकले थे। तो वहाँ पे शकुंतला हॉस्पिटल है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस ना बरतते हुए बहुत सारी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी थी, लोग एक दूसरे के सटे हुए थे और कई बार चेतावनी देने के बाद, पूर्व में भी उस अस्पताल को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, उसके बाद भी उन लोगों ने उन सुरक्षा उपायों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए हम उनको बोलते थे और ऐसे में फिर क्या आज फिर हमने उसको सील कर दिया है। और हमने बताया है कि जितने भी कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का ध्यान रखें। हम देख रहे हैं कि पिछले विगत कई दिनों से शहर में कोविड के पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अगर बिना सुरक्षा उपायों के अगर भीड़ को इकट्ठा होने देंगे तो यहाँ पर संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के चलते हमने उसको सील किया है, शकुंतला अस्पताल को आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। अब देखिए इसमें हम यही कहेंगे कि आप सब भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शहर में अभी हम कंटेनमेंट कर रहे हैं, केसेस पॉजिटिव ज़्यादा इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है बहुत एक्यूरेट है। हमारी पूरी टीम दिन रात 24 घंटे हम लगे हुए हैं ताकि इस शहर को हम बचा पाएँ आप सब लोगों के सहयोग से। तो हम आपसे लोग आपके माध्यम से ये अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करें, मास्क जरूर लगा के रखें। अभी का जो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा निकलने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट अच्छा हो रहा है। तो बस आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और ख़ासतौर पर मास्क जरूर लगाएं। शहर में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, आने वाला ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रखें। बिजनेस और जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि वो अपना व्यापार करें बट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, थोड़ा मास्क लगाने के लोगों को प्रेरित करें, जो मास्क लगा के नहीं आ रहा उसको सामान या ना कुछ वस्तु ना दें और हम लोग सबका सहयोग करें, हम सबको इस शहर को कोरोना से मुक्त करना है।